तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो वन पीस शीट होती है, जो उसका वैक्यूम सिस्टम होता है ख़राब हो जाए, तो आप उसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो, मैं इस वीडियो में यही दिखाया हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन हमारी पहुँच सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम दिखाते हैं कि इसमें प्रेशर क्यों नहीं बना। ये वैक्यूम सिस्टम है जो बीच में एक सुराख है जहाँ से प्रेशर आएगा और सीधा आगे को धक्का देगा, वो काम नहीं कर रहा। हम आपको फ्लैशिंग करके दिखाते हैं। अभी ये हमने फ्लैशिंग की तो आप देख सकते हो ये सही तरह से काम नहीं कर रहा। अब हम इसको रिपेयर करेंगे, आपको इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले हमने पीछे लगे हुए जो सिस्टम इसका कर इसको निकाल देते हैं इसका ढक्कन, और इसमें जो प्रॉब्लम होती है जो पैप बेंड हो चुकी है जिसके कारण इसका प्रेशर नहीं बढ़ रहा, और साथ में एक छोटा सा लॉक लगा होता है जो प्रेशर बढ़ाता है, आपने इसको पूरा ऑन कर लेना है। आप देख सकते हो इसको हमने ऑन कर दिया। हम तब तक रुकते हैं जब तक ये बर नहीं जाता, फिर हम फ्लैशिंग करके दिखाते हैं क्या जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो दोस्तों इस जगह से जो एयर लेती है जो वैक्यूम सिस्टम शीट में चलता है, हम इसको निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये पाइप बैंड हो चुका है जहाँ से, ये निकाल दिया हमने। इसी के कारण ये प्रेशर शीट में नहीं बन रहा था, जो दिक्कत आ रही थी इसके कारण ही आ रही थी। हमने अब इस बेंड वाली जगह को निकाल देना है जहाँ से हम काट लेंगे। इस पाइप को हम काट चुके हैं, अब जे वाला हिस्सा जो है जहाँ पे लगाएंगे। हमने इस पाइप को काट दिया, जो वेंट था लगा हुआ उसको निकाल दिया, तो उसके कारण अभी एयर जो थी वो बंद हो रही थी। अब हम इसको फिट कर देते हैं जो लगे इस कड़े को। इसके साथ आप एयर को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो ये बटन लगा हुआ है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। अब हम फ्लैशिंग करेंगे, आप देख सकते हो अब ये ठीक हो चुकी है। इसी तरीके से आप अपने वैक्यूम सिस्टम को ठीक कर सकते हो। चलो तो दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।